आजाद कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूपी के 26 गांव में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसका सीधा मकसद है कि किसानों की आय को दोगुना करना। कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 26 गांवों को कृषि पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर कई तरीके की खेती की जाएगी। कृषि पर्यटन वाले गांवों में जैविक फल उगाए जाएंगे, फूल सब्जियां और आदि उगाए जाएंगे और लोगों को आकर्षित किया जाएगा कि उस गांव में वो विजिट करें, इन्हें खरीदने और आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। इसमें किसानों को भी फायदा होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी रोजगार उत्पन्न होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, मुर्गी पालन, गो पालन केंद्रों को आकर्षक तरीके से साफ सुथरा बनाया जाएगा। वहां कृषि तकनीक भी विकसित होगी, जिससे किसान खेती किसानी के क्षेत्र में स्टार्टअप कर सकेंगे और अपनी जो आमदनी है, आर्थिक आय है, उसको बढ़ा सकेंगे। ये काम एक सामाजिक संस्था मॉडल गांव के सहयोग से किया जाएगा और इसमें जो कृषि विश्वविद्यालय है वो भी इसका सहयोगी रहेगा। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह और संस्था के पदाधिकारियों के बीच 26 गांवों को मॉडल गांव बनाने को लेकर एक एमओयू भी साइन हो चुका है। संस्था के सलाहकार ग्रुप में नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर डॉक्टर हीरालाल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। कुलपति ने भी बताया कि मॉडल गांव बनने से किसान आत्मनिर्भर होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी, रोजगार उत्पन्न होगा, तो वो आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसित होंगे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। हर केंद्र को दो दो गांवों को मॉडल गांव बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे जो कृषि पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हीरालाल जी है, सीनियर आईएएस है, इसके साथ साथ संस्था के सलाहकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो 26 गांवों का चयन किया गया है कि कृषि पर्यटन को वहां बढ़ावा दिया जाएगा, कितना बदलाव आप देखते हैं और कौन कौन सी खेती वहां कराई जाएगी ताकि लोग वहां पर एक पर्यटन, एक टूरिज्म हब बन सके? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नियमावली में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था बनी हुई है और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में, जैसे प्रेम सिंह साहब है बांदा में, अब्बास जी है सीतापुर में, अजय मलिक है मेरठ में, ऐसे बहुत सारे लोग अपने स्वयं के द्वारा कृषि पर्यटन का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ लोग, विदेशी लोग आते हैं, जिससे उस गांव का, उस आसपास के गांव का आय बढ़ता है और खुशहाली और हरियाली और समृद्धि आ रही है। तो जो कल के पहले जो 9 तारीख को, 9 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय कानपुर और मॉडल गांव के बीच समझौता हुआ, उसमें अनेक आयाम के साथ ये भी आयाम है कि हम लोग कृषि पर्यटन को भी इन गांवों में बढ़ावा देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है उसका भी हम इसमें सहयोग लेंगे और कृषि विद्यालय के जो 13 कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो दो दो गांव लिए हैं उसी में हम लोग इसको लागू करेंगे। अच्छा सर, कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनकी भूमिका कितनी अहम रहेगी? क्या किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा कि कौन कौन सी वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, क्या पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि लोग आकर्षित हो, लोग आएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा? कृषि विज्ञान केंद्र को ये दायित्व इसीलिए सौंपा गया है कि वो खेती ना करें उस गांव में, उस गांव के खेती